क्या घटना हुई है मलखान सिंह हॉस्पिटल में, क्या है? डॉक्टर साहब ने ये बताया कि इनके वहाँ पे वार्ड पे कुछ लोग आए तो उन्होंने मास्क नहीं पहना था। डॉक्टर साहब ने इतना ही कहा कि आपने मास्क नहीं पहना, तो इसी बात पे वो मारपीट में उतर और काफी स्टाफ के लोगों के साथ भी वो किया। इससे ज्यादा आगे मैं पता करके देखती हूँ। कोई पुलिस कार्रवाई करी जा रही है? पुलिस कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। कुछ पता लग रहा है कौन लोग हैं? आपके स्टाफ में कितने लोग घायल हुए? तो जो लोग हमारे घायल हुए उनकी मेडिकल हो रही है नहीं हो रही है? आरपीडी के पेशेंट देख रहा है, इधर आ जाओ। ये एडवाइस करते हैं कि पहले मास्क पहनो फिर हम देखेंगे। दो लड़के आए, मैं जानता नहीं था कौन थे, सीधे अंदर आ गए। मैंने उनसे कहा कि भाई आप मास्क पहन के आओ, कम उम्र के लड़के थे। मैंने कहा भाई मास्क लगा लो। अरे आप कैसे बोल रहे हो मास्क लगाओ, तो मैं बात पूरी देखते हैं। फिर देखने के बाद उन्होंने पता नहीं, मैं तो जानता नहीं था कौन थे। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लड़के इधर इकट्ठे कर लिए गेट पर। हाँ गेट पे अंदर इकट्ठे करते रहे। इकट्ठे करने के बाद हम लोग वहाँ जा रहे थे, उसके बाद उन्होंने अटैक कर दिया हम लोगों पे। अटैक कर दिया तो मेरे को तो लोगों ने पीछे कर दिया, हमारे बहुत सारे स्टाफ को उन्होंने चोटिल किया, जख्मी हुए। उसके बाद फिर पुलिस भी आई, उसके सामने भी इन्होंने लगातार मारपीट की है और छांट छांट के वो मार रहे थे कि ये है। मैं थोड़ा सा इधर आ गया। फिर क्या वो लोग अपने आप को क्या बता रहे थे? कुछ ये कुछ नहीं हमें पता था, मेरे को इतना नहीं पता क्या बता क्या रहे पता लगा आपको कौन लोग हैं? ये मेरे को नहीं मालूम कौन थे, लेकिन वो पूरी गुंडाई पे थे और उन्होंने छांट छांट के सबको मारा है। हमारे स्टाफ के बहुत लोग वो ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे कि ये था है ना सब। अब तहरीर भी मिलना था, अब तहरीर देंगे। आप तहरीर, क्या नाम है सर आपका? मेरा डॉक्टर अनिल कुमार अस्तोगी, सीनियर कंसल्टेंट आई सर। तहरीर भी तो किसी के नाम से देंगे क्या? तहरीर में अब मालूम करते हैं कौन लोग हैं, मुझे तो मैं तो जानता नहीं ना। कितने लोग घायल होंगे आपके स्टाफ के? अब पता चलेगा कई कितने लोग घायल हैं। सर इसमें आप पथराव भी हुआ है? उन्होंने पत्थर भी मारे हैं। कितनी देर पत्थर और करो? हाँ तो मेरे ख्याल 5-10 मिनट उन्होंने पत्थर मारे हैं।